जब भी मैं अपना ऑफिशियल जो मेल आईडी है ओपन करता हूँ तो दिन में कम से कम 10 से 15 मेल इसी सब्जेक्ट का आता है कि हमको आधार सेवा केंद्र लेना है या फिर हमको आधार सेंटर ओपन करना है, कैसे करेंगे, कोई कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। सो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कौन सा आधार सेवा केंद्र आपको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आजकल CSE से अगर आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाता है जो कि UCL रजिस्ट्रेशन करने पर मिलता है, सिर्फ आप वहाँ पर आधार करेक्शन कर सकते हो, जो कि डेमोग्राफिक से ही आप सिर्फ वहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपके पास काफ़ी सारे लोग ऐसे आते होंगे जो कि नया आधार कार्ड बनाना चाहते होंगे या फिर वहाँ पर बायोमेट्रिक डाटा को अपडेट करना चाहते होंगे, तब आपके मन में ये सवाल तो आता होगा कि हमें भी एक आधार सेवा केंद्र शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का एक ऑर्डर तो पहले से आपको पता ही होगा, कुछ साल से ही ये चल रहा है, जैसे कि अगर आप आधार सेवा केंद्र ले भी लेते हैं कोई कंपनी के हिसाब से, तब भी आप अपने घर में, अपने दुकान में, अपने एरिया में, अपने लोकेशन में ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है आपको अपने यहाँ पर्सनली आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए। गवर्नमेंट का कहना यही है या फिर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट प्रीमिसेस में जाके ही काम करना, चाहे ब्लॉक ऑफिस, तहसील ऑफिस, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर एजुकेशनल ऑफिस, वो सभी जगह में आपको जाके वहाँ पर खुद बैठकर ही काम करना चाहिए, भले ही आप वहाँ पर 2 दिन में एक बार जाए, लेकिन आपको वहाँ पर जाके ही काम करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि कौन कौन करना चाहता है। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ, हमको गवर्नमेंट प्रीमिसेस में भी दिला दो, हम गवर्नमेंट प्रीमिसेस में भी जाके काम करेंगे, वहाँ पर ही हम आधार सेवा केंद्र चलाएंगे, वहाँ पर भी जो कमाई होगा वो कमाएंगे। तभी आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी ट्रस्टेड है, जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने पर भी अच्छा रिटर्न देगा। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, एक आधार सेवा केंद्र देने की कंपनी आई है जो कि आप आराम से इस कंपनी के साथ जुड़कर आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आधार सेवा कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कौन सा आपको तैयारी करना है, कौन सा डिवाइस होना चाहिए, आपको पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और कौन सी बातें हैं जो कि आधार सेवा केंद्र खोलने से पहले आपको जानना चाहिए, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रखना होगा, जैसे कि आपका पॉलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका आधार का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा, और आपको एक आधार एनरोलमेंट सेंटर लेने का एक फॉर्म मिलेगा। तो वो फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो तो इस वीडियो में बताऊँगा ही, लेकिन साथ में पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप एक आधार न्यू एनरोलमेंट सेंटर ओपन कर सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही ये कंपनी मेरे को कुछ पैसा दिए हैं। तो ये कंपनी का वेबसाइट पर आप कैसे आ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू ही ये वेबसाइट ओपन होगा। ये वेबसाइट को हम IPS ई सर्विसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको ये आधार सेवा केंद्र लेने से पहले बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक CSE सेंटर ओपन किए हुए हैं, CSE ID आपके पास ऑलरेडी है, तो CSE ID अगर आपके पास है तो पता ही है आधार सेवा केंद्र आपको भी मिल जाता है, UCL रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि आधार का करेक्शन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ये कंपनी आधार का काम देती है, लेकिन इसके अलावा पहले आपको इसका ID लेना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना है, जब आपको लगे कि हाँ इसमें अमाउंट दे सकते हैं, इतना पे तो कर ही सकते हैं, तब आपको यहाँ पर पे करना है। इसमें आपको कोई फोर्स नहीं है। इस वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। तो जैसे आप इस वीडियो के नीचे आएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट का ही इंटरफेस है, देख सकते हैं IPS ई सर्विसेज का। ये काफ़ी सारी ID जो है प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर ID, डिस्ट्रीब्यूटर ID, जिसमें आप कस्टमर को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ आधार एनरोलमेंट ही करना है, आधार का काम ही करना है, तो उसके लिए क्या ही करना। तो आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा मेनू आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में है प्रोजेक्ट्स का एक लिंक, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपके लिए आएगा आधार एनरोलमेंट। आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक लैपटॉप मिलेगा, आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ मिलता है, 1,70,000 के करीब आपको यहां पर सामान मिलता है। तो सभी चीज़ों को मिला के आपको काम करना होता है। तो यहां पर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं आधार एनरोलमेंट क्या है। UIDAI की तरफ से ही आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है। ये जो कंपनी है UIDAI के साथ कोलैब किया है, साथ में आप जो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में बैठेंगे उसके यहाँ से यहाँ पर रिकमेंड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो तो इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आधार एनरोलमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है किस तरीके से आपको ये काम मिलता है, कितना दिन लगता है।
लेकिन अभी मेन बात है बताना चाहता हूँ, जैसे वीडियो में पहले बताया था आपको, डॉक्यूमेंट तो आपका रेडी हो जाएगा लेकिन एक आधार एनरोलमेंट सेंटर का एक फॉर्म लगता है जो कि एक कंपनी ही आपको प्रोवाइड कर देगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी जरूरी है आपको यहाँ पर खर्चा कितना होगा। काफ़ी सारे जो मेरे को ईमेल करते हैं आधार के रिगार्डिंग, तो आधार सेवा केंद्र कैसे मिलता है वो तो पूछते ही हैं, लेकिन रिप्लाई देने के बाद वो कितना पैसा यहाँ पर खर्चा होगा वो डेफिनेटली पूछे हैं। और काफ़ी सारे लोग यही पूछते हैं कि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो आधार सेवा केंद्र में खर्चा कितना आएगा ये जानने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पर क्लिक जरूर करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या क्या काम लेना है। जैसे कि काफ़ी सारे ये कंपनी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे है, मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारा जो काम है वो है आधार सेवा केंद्र ओपन करना। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आधार में। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रेड आ जाएगा, मतलब कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट में आपको ये काम करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एक स्टेट, जो कि मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज में आधार को क्लिक करना है, तो ये आधार का काम पूरा ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको न्यू आधार एनरोलमेंट, मतलब कि आप यहाँ पर न्यू आधार अप्लाई कर सकते हैं। किसी का अगर पहले से आधार नहीं है तो आप उनका नया वाला आधार कार्ड बना सकते हैं। उसमें कुछ अपडेशन करना हो, बायोमेट्रिक करना हो, उनका फिंगरप्रिंट चेंज करना हो, फ़ोटो चेंज करना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, ये वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आधार का कलर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। आधार इंक्वायरी सर्विस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्पेशल आधार डाउनलोड का भी आपको यहाँ पर सर्विस मिल जाएगा। इसके लिए कितना खर्चा आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये खर्चा सुन के या फिर देख के आप चौंक मत जाना, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इसे हम फिल्टर कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ सामान आपको यहाँ पर मिला जाता है, जैसे कि आधार सेवा केंद्र में बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ डोनेशन देना होता है, मतलब कि कुछ चार्जेस देना होता है, जो कि कुछ नॉन रिफंडेबल होता है और कुछ रिफंडेबल होता है। तो एक कंपनी के हिसाब से ये वेरी करता है, कौन सा कंपनी कितना लेती है वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये कंपनी जितना चार्ज करती है 1,22,522 रुपया, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 34,220 रुपये का एक फिंगरप्रिंट स्लैब स्कैनर रिसेल 4+4+2। तो ये डिवाइस आपको 34,000 में पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसे अनचेक कर दीजिए। इसके बाद है डोंगल, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो कि GSM नेट डोंगल लगता है इसमें, अगर वो है आपके पास तो यहाँ पर अनचेक कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर चेक ही रखिए, ये आपको प्रोवाइड करके देंगे। अगर आप 1,123 रुपये इनको देती हैं तो ये डोंगल आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास एरिया स्कैनर भी है तब भी आप यहाँ पर अनचेक कीजिए। इसके बाद इनका एक हमारा केंद्र बोल के एक साइन बोर्ड भी है, हमारा केंद्र जैसे बताया था आपको CSC से ही जैसे आधार सेवा केंद्र मिलता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमारा केंद्र के जरिए ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड काम मिलेगा। तो इनका कहना यही है अगर आप लेते हैं तो इनका साइन बोर्ड 5,619 रुपया, मेरे हिसाब से यहाँ पर लाइट बल्ब कुछ जलेगा इसीलिए इतना रुपया ले रहे हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे भी अनचेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है या फिर है तो यहाँ पर अनचेक कीजिए, नहीं है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे अनचेक कर लेता हूँ। इसके बाद GPS डिवाइस भी 4,000 रुपये का है तो इसे भी अनचेक कर दीजिए अगर आपके पास है तो। इसके बाद लैपटॉप जो कि है 19,999 रुपीज़। और नेक्स्ट है मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो कि है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, कॉपियर भी है। तो आप यहां पर अपने हिसाब से परचेज करेंगे तब भी दिक्कत नहीं, अगर इनसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी चीज़ों को यहां पर अनचेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दो चीज़ों को आप यहां पर अनचेक नहीं कर सकते। चलिए मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को कर लेता हूँ। तो फिर भी आप यहाँ पर दो चीज़ों को अनचेक नहीं कर सकते। सबसे पहला तो पोर्टल सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो कि आपको कुछ रुपए देना होता है, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 0 है लेकिन ये कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है 14,500 रुपया, जो कि आप यहां से पे करेंगे तो आपको जो है कभी जैसे आधार सेवा केंद्र में काम करते करते आपसे कोई गलती होता है तो UIDAI को कुछ पेनल्टी देना होता है ये कंपनी। तो कंपनी आपको पहले से ही पैसा रख लेती है, अगर आप कुछ गलती कर देंगे तो कंपनी ही सीधे डायरेक्टली UIDAI को पैसा दे देती है, आपको नहीं पूछती है। तो ये चार्ज जो है रिफंडेबल है, जब आपका जो है काम करने का मन नहीं होगा इस कंपनी के साथ या फिर एग्रीमेंट अगर आपको उड्रल करना होगा उस टाइम आपको ये पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो ये है फंडा, आपको इतना सारा डिवाइस को परचेज करने के लिए ही ये पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पैसे देने से पहले आपको देखना है, सोचना है, समझना है। कैसे समझना है, कैसे सोचना है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके एरिया में, आपके अगल बगल में भी हमारा केंद्र बहुत सारा है,
तो कैसे है भैया हमको तो पता नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर हमारा के अंदर लोकेटर में क्लिक करेंगे, आपका स्टेट कौन सा है यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको अपना ब्लॉक को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगा। अगर आपके एरिया में आपके लोकेशन में पहले से हमारा केंद्र सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी बोल रहा है हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई तो सर्विस नहीं दिखा, आपके एरिया में है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए कि आप जो यहाँ पर सर्विस लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि हमारा केंद्र जिसके पास है उसके पास आधार कार्ड का काम भी होगा, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, कैश विड्रॉल का काम करते हैं, बैंकिंग का जो काम करते हैं, उनके पास जो आईडी होगा उनसे आप कम से कम बात कर सकते हैं कि कंपनी का रिस्पांस कैसा है। इनसे अगर हम कोई भी आईडी लेते हैं, पैसे के लेन देन करते हैं, तो कोई दिक्कत होगी क्या, उनसे आप थोड़ा सा एडवाइस ले सकते हैं। अभी मेन बात है आप इनसे आईडी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आईडी नहीं लेना, लेना आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आईडी लेने के लिए पार्टनर लॉगिन या फिर पार्टनर विथ अस, यहाँ पर जो है आप दोनों में एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर लॉगिन का पेज। यहाँ पर देख सकते हैं अपना आईडी या पासवर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये आईडी लेने के बाद ही इस आईडी के जरिए ही आपको आधार का काम मिलता है। अभी सबसे मेन बात, आप इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि इनका पूरा ही एड्रेस है, इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी है और आधार सेवा केंद्र के बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां पर जो रास्ता बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और काम करना है तो इनसे कॉन्टैक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पैसे देने की बारी आती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोल देंगे आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, देना है, आँख बंद करके दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है, जो भी काम करेंगे आपको थोड़ा सा देखकर समझकर आसपास क्या हो रहा है उस हिसाब से आपको काम करना होता है। तो अगर आपको लगे कि ये कंपनी में जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंपनी को रेफर कर रहे हैं, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।